और ये आज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज ही के दिन सरकार की विलादत के पास आज फकत सिर्फ इंसान नहीं कायनात की हर चीज आका करीम अलैहिस्सलाम का जश्न और उसका मिलाद मनाती है। फकत आका करीम अलैहिस्सलाम का एहसान उम्मत मुस्लिमा पर नहीं बल्कि पूरी कायनात पर। शजर है तो अपने अंदाज में, हजर है तो अपने अंदाज में, परिंदे हैं, चरिंदे हैं, हत्ता के जमीन पर चलने वाली चींटियां वो भी करीम आका से मोहब्बत भी करती हैं, अकीदत भी रखती हैं और वो भी अपने अंदाज में मेरे रसूल का मिलाद मनाती है। सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुनकर दिल शाद होता रहेगा। खुदा ऐसे सुन सुआद रखे मुहम्मद का मीराद होता रहेगा। और हर इब्तिदा से पहले, हर इम्तिहान के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इम्तिहान के बाद जाते नबी बुलंद है जात अल्लाह के बाद। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात जात से बढ़कर कायनात के अंदर कोई जात नहीं है। और जितना आला और मरतबा मकाम मेरे नबी का है, मेरे नबी से बढ़कर कायनात के अंदर किसी का मकाम और किसी की फजीलत नहीं है। हम उस नबी का जश्न मनाते हैं, उस नबी का मिलाद मनाते हैं। और ये न मेरा मिलाद है, न किसी आम शख्स का मिलाद है, ये मेरे नबी का है। और जो मेरे नबी से मोहब्बत करता है, जो आका से मोहब्बत करता है, वो अपने मोहब्बत का सबूत दे, अकीदत का सबूत दे, अदब के साथ, इहतराम के साथ, आजी के साथ, इंतजारी के साथ और सरकार की बारगाह में दुरूद पढ़ते हुए किस दुरूद के अंदर शरीक हो। अल्लाह ताला आपका शादो आबाद फरमाए। मदरसा तालीम, मदरसा तालीम और कुरान के तमाम असाज़ा इकराम से मेरी गुजारिश है कि बच्चों का नज़्म व ज़ब्त कायम रखे, बच्चों को लाइन से तरतीब से अंदर से खड़ा कर लें। और बाकायदा ही इंशाल्लाह हम जुलूस का आगाज करेंगे और जो नौजवान बच्चे अहले मोहल्ला के बैठे ये खड़े हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप सब भी जुलूस की नुमाइंदगी करें। कुछ लोग आगे चले, कुछ पीछे चले और एक तरीके कार से हम बाकायदा जुलूस का आगाज करेंगे। यहाँ से निकलेंगे ये काले के लेफ्ट साइड से होते हुए मस्जिद तक, फिर हम मेन रोड से फिर साढ़े आठ से मदीने मुस्तफा शादी हॉल 13 नंबर और फिर इस रोड से होते हुए मस्जिद के गेट पर इंशाल्लाह जुलूस का इख्तिताम करेंगे। कुछ लम्हात हैं, कुछ मिनट, कुछ टाइम लगेगा। तमाम हजरात से गुजारिश है कि जरूर इस जुलूस के अंदर शिरकत फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको शादो आबाद फरमाए। अल्लाह ताला आप सब हामिद व नासिर हो। सरकार की आमद, ये जो मस्जिद के गेट पे खड़े हैं जिनके हाथों में दम नहीं है वो हाथ ऊपर करें। सरकार की आमद, दोनों हाथ, साजिश भाई एक हाथ नहीं दोनों हाथ। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, भट्टार की आमद, आका की आमद, पत्नी की आमद। जरा झूम कर बोलो, लाखा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, सब सुन ले। सरकार की आमद, अखबार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। सदाए दरूदों की आती रहेगी, सदाए दरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुनकर दिल शाद होता रहेगा। खुदा पहले सुनकर तेरे हाथ में आगे का होता रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे औसिया। सरकार की आमद, अंधार की आमद, आका की आमद, पत्नी की आमद। जरा झूम कर बोलो, जरा ऊंचा बोलो, जरा पीख कर बोलो, अरे ऊंचा बोलो। ये दीवारें सुन ले, ये बिल्डिंग सुन ले, अरे जो सरकार का मिलाद नहीं मनाता वो भी सुन ले। सरकार की आमद, अंधार की आमद, आका की आमद, पत्नी की आमद। ये मस्जिद, ये रोड, ये गलियां, ये दीवारें, ये सब कहा हो जाए कि सरकार से मोहब्बत करने वाले लोग खड़े। सरकार की आमद, अंधार की आमद, आका की आमद, मजली की आमद, लजपाल की आमद। माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत अंदाज से आप जुलूस में निकलेंगे। जो हमारे बुजुर्ग नमाजी हजरात से उनसे गुजारिश है कि वो आगे तशरीफ जाए, जैसे इस्लाम से
भाई खड़े हैं, निहाल भाई खड़े हैं, मनोवर भाई सामने खड़े हैं, अजहर भाई सामने खड़े हैं। ये पहली लाइन जो बुजुर्ग नमाजी हजरात आगे बना लें और फिर बाकायदा हम बाकायदा जुलूस का आगाज करें। जो बुजुर्ग नमाजी हजरात पीछे खड़े हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा, उनसे गुजारिश है कि हाथों में हाथ डालकर आगे खड़े हों, नुमाइंदगी करें। मुबारकबाद देता हूँ आबाद फरमाए, अल्लाह ताला सब हामिद और नासिर हो। और बाकायदा हम जुलूस का आगाज करें, तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप जुलूस के अंदर शरीक हो, अल्लाह ताला आपको शाद आबाद फरमाए। बड़े हजरात भी चल रहे हैं साथ, और जो मोटरसाइकिल वाले लोग हैं उनसे बाजार ऐसे कि आप जुलूस के बिल्कुल आगे में हैं और जुलूस के अंदर मोटरसाइकिल नहीं करना है, किसी बच्चे के पाँव पर या किसी बुजुर्ग के पाँव पर मोटरसाइकिल न चले, इनसे गुजारिश है कि वो नज़्म व ज़ब्त कायम रखें। और तमाम जितने भी हमारे नमाजी बुजुर्ग हजरात हैं, मस्जिद की इंतजामिया है, जितने लोग हैं उनके साथ तआवुन फरमाएं, जितने जवान बच्चे हैं उनके साथ तआवुन करें, और जुलूस का जितना भी नज़्म व ज़ब्त है वो जरूर के जरूर जो है वो कायम रखें। और कारी हजरात जितने मदरसे के साथ तआवुन करें, सरकार की आमद, मंथार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद, जरा ऊंचा बोलो। डोरी के अंदर जो है ना ये बच्चे डोरी से बाहर भी बच्चा नहीं आए, डोरी के अंदर ही रहे, गुजारिश है क्योंकि बच्चा डोरी से बाहर रखना चाहता है उसको अंदर कर दे। सरकार की आमद, अंधार की आमद, आका की आमद, अग्नि की आमद, हार की आमद, सरकार की आमद, नजपाल की आमद, दीखा की आमद, अंधार की आमद, अग्नि की आमद, अग्नि की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी।